हाय गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए। सो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं YouTube ओपन करता हूँ। एक सेकेंड गाइस, अच्छा सो गाइस ये ओपन हो चुका है चैनल कस्टमाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्रिएट, जो कि वीडियो का आइकन भी दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे अपलोड वीडियो। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे हमने वीडियो जो है वो सेलेक्ट करनी है। मेरी कौन सी वीडियो दी, एक सेकेंड, अच्छा गाइस ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमने इस वीडियो का टाइटल देना है। सो गाइस मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है मेरी ये अर्निंग से रिलेटेड है। मतलब आप किस तरह से किसी भी यूट्यूबर की जो अर्निंग है, चैनल अर्निंग, वो आप चेक कर सकते हैं। गाइस अगर आपको भी पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप भी जस्ट वन प्लेस में किसी यूट्यूबर की अर्निंग आप फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमने एक बढ़िया किस्म का टाइटल ढूंढना है। हम जाएंगे यूट्यूब पर, यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू चेक एनी यूट्यूबर चैनल इनकम। ये लिख के यहाँ आपके सामने बहुत सारे टाइटल आ जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कंपटीशन जो है वो हाई है और वॉल्यूम 38 है। इससे क्या है कि ये आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक एक्सटेंशन है विद IQ के। विद IQ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको क्रोम में ऐड करोगे, सो ये फिर आपको इस टाइटल की जो मतलब कंपटीशन है, ये अगर ये हाई शो कर रहा है तो इसमें रहना यानी मुश्किल है। तो इस जो टाइटल है हाउ टू चेक यूट्यूब चैनल इनकम वाला, इस टाइटल को आप छोड़ दें अगर आप नए यूट्यूबर हैं। अगर कोई दूसरा टाइटल डालेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि लो है, तो उस टाइटल पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसलिए इस जो विड IQ का एक्सटेंशन है, इसकी ये फ़ायदा है। और दूसरी भी एक मज़े किस्म की फ़ायदा, अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करूँ, ये देखें गाइस, अगर ये वीडियो रैंक हुई पड़ी है, इसने जो वीडियो में टैग यूज़ किए हुए ये यहाँ पे आपको शो होंगे इस विड IQ एक्सटेंशन की वजह से। ये देखें गाइस, इसको हम सिंपली कॉपी करके अपने वीडियो पे भी डाल सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे हम सिंपली Ctrl+V का साथ डाल सकते हैं। ये देखें, उसने जो टैग यूज़ किए होते हैं उसको हमने कॉपी करके वहाँ डाल दिए। इसका ये बड़ा फ़ायदा है जिससे हमारे टाइम जो टाइम वेस्टिंग होती है, मतलब टाइम हमारा बच जाता है। सो गाइस इसका ये भी फ़ायदा है। दूसरे बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि आप किस तरह इस एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। गाइस इस एक्सटेंशन का यही दो फ़ायदे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे हम कोई टाइटल ढूंढ लेते हैं, हाउ टू चेक यूट्यूबर मंथली इनकम। ये सही है, हाउ टू चेक यूट्यूबर मंथली इनकम, इस टाइटल को हम डालेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई इमोजी भी डाल देंगे, फायर इमोजी। काफ़ी फेमस इमोजी है, Ctrl+C इसको हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक टाइटल ख़त्म हो गया, दूसरा टाइटल डालेंगे तो उसके लिए हम बेर का साइन, इसको बेर का साइन बोलते हैं। ये भी हमने दो, एक डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, लेकिन मैं दो डाल रहा हूँ। फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ पे हम कोई दूसरा टाइटल ढूंढेंगे, हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम, हाउ टू चेक एनी यूट्यूबर चैनल
अर्निंग, हाउ टू चेक एन यूट्यूबर चैनल अर्निंग, ये बेहतर रहेगा। हाउ टू चेक यूट्यूबर अर्निंग, कंट्रोल सी। हाउ टू चेक एनी यूट्यूबर यूट्यूबर चैनल अर्निंग इन, हाउ टू चेक एनी यूट्यूबर चैनल अर्निंग इन। ये गाइस ये हो चुका है, हमारा टाइटल बन चुका है, इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो वीडियो का लिंक वगैरह है वो भी आप दे सकते हैं, एश के साथ एश लगा कर जो टाइटल है उसको विदाउट स्पेस भी हम दे देंगे। चेक यूट्यूबर मंथली इनकम इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप, हर बंदा अलग अलग किस्म का बनाता है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपलोड थंबनेल, थंबनेल अपलोड करेंगे, मैंने बनाया हुआ है, ये थंबनेल अपलोड हो चुका है, टाइटल भी बन चुका है, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। टेक्स्ट तो एक वही तरीके मतलब किसी दूसरे जो यूट्यूबर है उसकी जो टैग्स है उसको कॉपी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो टाइटल दिए होते हैं इसको भी आप कॉपी करके टैग में यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ये अपलोड की वो यूट्यूब अपलोड मंथली अर्निंग यूट्यूबर अर्निंग इस तरह शॉर्टकट करके भी दे सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टैग्स के, हमारे लोग डालते होते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग करके आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो इस बंदे का जो है हम जो टैग्स है उसको हम कॉपी कर लेते हैं विद आईको एक्सटेंशन की मदद से। कॉपी किया, यहाँ 500 से ज़्यादा हो रहा है तो इसमें हम कुछ हटा लेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ करना है, कुछ नहीं करना, ये टाइटल भी बन चुका है, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखे वेट करेंगे अपलोडिंग 24% हुआ है गाइस। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, अगर वीडियो लंबी है 10 मिनट तो और ज़्यादा लेता है, कम है बहरहाल टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ नेट भी हो फिर भी टाइम लेता है। सो मैं अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, कुछ टाइम के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए फिर मिलेंगे। सो गाइज ये कंप्लीट हो चुका है, अपलोडिंग जो 100% तक होता है वो हो चुका है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है चेक्स कंप्लीट नो इशू फाइन, यानी आपकी वीडियो बिल्कुल सही है, अकाउंट के जो असूल होते हैं उसके मुताबिक है, आपकी वीडियो बिल्कुल ओके है, आपकी वीडियो हमने अपलोड कर ली है। सो गाइज ये चेक भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज पर क्या होता है कि यहाँ पे हमने टाइटल डालना, टाइटल डालना होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, और उसके बाद थंबनेल वगैरह, फिर टैग्स, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या होता है कि आई बटन वाला जो होता है वो आप डाल सकते हैं, आइकन वगैरह साइड में डाल सकते हैं, एड कार्ड यानी जो टीएम वगैरह कार्ड होता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो डायरेक्टली अगर आपका चैनल मोनेटाइज है डायरेक्टली अर्निंग आपके चैनल में आए। उसके बाद चेक्स, चेक्स में ये देखो आपको दिखा रहा है नो इशू फाउंड, यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद विजिबिलिटी में ही आ जाते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है, एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट से मुराद यानी अपने पास यूट्यूब पर अपलोड हुई पड़ी होती है मगर किसको शो नहीं होती, आपकी प्राइवेट ही होती है, सिर्फ आपने अपने पास रखी होती है। उसके बाद अनलिस्ट, अनलिस्ट से मुराद यानी वैसी की वैसी पड़ी रहे, अपलोड बाद में करोगे। उसके बाद क्या है पब्लिक, पब्लिक से मुराद यह है जब आप इसको पब्लिक करोगे तो वीडियो आपकी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, सबको दिखेगी। सो हमने क्या करना है पब्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने पब्लिश करना है। सो हमारी YouTube वीडियो अपलोड हो चुकी है, क्लोज कंटेंट में देखते हैं।
देख सकते हैं गाइज, ये अपलोड हो चुके हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइज, सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। आप जा रहे हैं तो एक दफ़ा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।